स्वागत है जूनियर असिस्टेंट की टेंस, टेस्ट श्रृंखला जो है सेवन के सॉल्यूशन देखेंगे रीजनिंग पोर्शन का जो इसमें पहला प्रश्न है आपका वो है डाटा इंटरप्रिटेशन से पाईचार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है आसान सा क्वेश्चन है इसमें सिर्फ आपसे पूछा है जो पाईचार्ट बना है इसमें सबके जो है पूरा दिया है कि साल में किस किस चीज़ पर वो जो है आदमी कित खर्च करता है जैसे जिमनास्ट पे 11 परसेंट करता है स्विमिंग पे 27 परसेंट करता है ऐसे डायग्राम बना हुआ है आपको और क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फुटबॉल और तैराकी एक साथ कितने अंश का केंद्र कोण बना रहे हैं उसमें आपको दिया है परसेंटेज में अब आपको निकालना है कितने में डिग्री में निकालना है कोण में निकालना है तो आपको करना क्या है कि जैसे दिया है टोटल ओवरऑल परसेंटेज पाई चार्ट का जोड़ लीजिए तो टोटल आएगा हंड्रेड परसेंट हंड्रेड परसेंट को कंपेयर करिए तीन सौ साठ डिग्री से ठीक और आपका जिसका पूछ रहा है कि फुटबॉल और तैराकी में कितना खर्च करता है तो फुटबॉल में कितना आपका है तीस परसेंट प्लस स्विमिंग में सत्ताईस परसेंट तो टोटल फिफ्टी सेवन परसेंट बराबर निकाल लीजिए तो ये आ जाएगा एट्टीन इन टू फिफ्टी सेवन अपॉन फाइव तो ये आएगा समथिंग दो सौ पाँच दशमलव दो तो ये आपका ऑप्शन में पॉइंट में का नहीं लिया गया है तो ऑप्शन डी इसका सही होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा डाइस से है आपका एक क्वेश्चन आप जैसे देख रहे हैं कि यूपी ट्रिपल ट्रपल एस का जो ट्रेंड चल रहा है कि आपका डाइस से क्वेश्चन जो अभी लोअर एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपका एक क्वेश्चन हर पेपर में डाइस से था तो इसलिए आपको पेपर में जो है डाई से क्वेश्चन मिलेगा अगला क्वेश्चन है डाइस से इसमें दिया है तीन डाइस दिया हुआ हुआ है एक ही डाइस को तीन बार फेंका गया है तो आपका कुछ ऐसा मिला है और तीनों डाइस के सरफेस पे आपका अल्फाबेट्स लिखे हैं ए बी सी टी सी ई और इसमें लिखा है एफ e ई बी ठीक है अब आपसे इसमें पूछ रहा है कि इस पासे के तीन बार फेंका जाता है पासे में तीनों स्थितियों के नीचे चित्र दी गई हैं तो ए के विपरीत ए के विपरीत जब भी आपका ऐसी स्थिति आए तो पहले क्या करना है ये जानते हैं आप सभी लोग कि ये जो जो भी अल्फाबेट्स के डाइस होते हैं वो नॉन स्टैंडर्ड डाइस होता है तो इसमें करना क्या है जो भी कॉमन सर्फेस मिल जाए उससे क्लॉक डायरेक्शन में हमें चलना है तो जैसे यहाँ से कोई भी कॉमन सर्फेस देखें तो यहाँ पे सी रहा है हमें पहले और दूसरे वाले डाइस में देखें तो अब यहाँ से हम चलेंगे सी बी ए और इसमें चलेंगे सी डी ई तो ए के अपोजिट में हमें क्या मिल रहा है ई मिल रहा है तो हमारा ऑप्शन कौन हो जाएगा ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा थ्री है डिस्टेंस डायरेक्शन से इसका सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में दिया गया है जो आपको पीडीएफ ग्रुप में दिया जा रहा है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं क्वेश्चन फोर ये जो है आपका कथन निष्कर्ष से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें बोला जा रहा है कि आपको कथन पढ़ना है उसके हिसाब से आपको बताना है कि निष्कर्ष उसको कितना फॉलो कर रहा है जैसे बोला जा रहा है सरकार जल्द ही एक बिल लाने जा रही है ठीक है जो बहुत सख्त निर्देशों के तहत निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित करने की अनुमति देगा इसका मतलब कि निजी विश्वविद्यालयों की कमी है इसलिए उसके लिए एक नया बिल लाने जा रही है कि नए और विश्वविद्यालय आपको खुलें तो इसमें जो ऑप्शन बी है उसको सटीक वही जा रहा है कि अधिक विश्वविद्यालय की मांग को आगे बढ़ाया जा रहा है ठीक है अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पाँच ये भी उसी से है कथन निष्कर्ष से कि कौन सा निष्कर्ष आपका कथन के हिसाब से सही है जैसे लिखा है उस दुकान दुकान में ज़्यादातर कपड़े महंगे हैं तो अब इससे बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन सही है जैसे बोला ए उस दुकान में कोई सस्ते कपड़े उपलब्ध नहीं है इससे ये नहीं पता चलता हो सकता है उसमें उसने सिर्फ कथन में ये बोला कि उस दुकान में ज़्यादातर मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आपका जो कपड़े हैं उसमें क्या है महंगे हैं तो ये तो आपका गलत हो जाएगा कि उसमें सस्ते कपड़े नहीं है अगला है बी उस दुकान में बी उस दुकान में भी, भी हैंडलूम के कपड़े सस्ते हैं इसका कहीं जिक्र नहीं हुआ हैडलूम और सेल के ऐसा कुछ बताया नहीं गया है ऑप्शन सी देखते हैं उस दुकान में सस्ते कपड़े भी हैं हाँ तो उसमें ज़्यादातर कपड़े मांगे हैं तो कुछ सस्ते भी कपड़े होंगे तो ये आपका सटीका जो होगा उत्तर होगा ऑप्शन सी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं इसमें बोल रहा है इसमें कथन और कार्रवाई से है विभिन्न विभागों में के महत्वपूर्ण विवादों को तय करने के न्यायालय को बहुत समय लगता है तो इसमें आपको बताना है कि अगर ऐसा हो रहा है कि विभाग विभागों में विवाद हैं उनका जो है जस्टिस करने में काफ़ी टाइम लग रहा है तो उस उस पर आपकी कार्रवाई क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से क्या क्या करना चाहिए तो पहला है मा, मामलों को गति देने के लिए अदालतों में आदेश जाना चाहिए सेकेंड है अधिकारियों को विशेष अधिकार दिए जाने चाहिए कि अपने अपने प्रस्थान से संबंधित विवादों का निपटारा करें तो हाँ ये दोनों जरूरी है कार्यवाही तो ये दोनों आपका सही हो जाएगा अगला है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से शब्द युग्म को चुनिए जैसे इसमें है कि एनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है बोला है मोमबत्ती किससे बनती है मोम से बनती है तो कागज किससे बनेगा पल्प से बनेगा ऑप्शन डी आपका सही होगा अगला है आपका एनोलॉजी से अल्फाबेट से क्वेश्चन है इसे देख लेते हैं इसमें दिया वाई जी पी बी क्यू यू रिलेटेड है W आई एन डी ओ डब्ल्यू से अब पूछ रहा आई वाई एन वाई जे डब्ल्यू का कि रिलेशन किससे होगा तो आपका वाई से डब्ल्यू ये आपका किससे पा आता है पच्चीस पे ये आपका सात पे ये आपका सोलह ये दो ये सत्रह ये इक्कीस ये तेईस नौ चौदह पंद्रह ये डी है ये चार पंद्रह तेईस अब देखते हैं इसमें क्या रिलेशन बैठ रहा है पच्चीस से तेईस माइनस दो सात से नौ प्लस दो सोलह से चौदह माइनस दो मतलब चल रहा है क्या माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू ऐसे चल रहा है तो लास्ट में क्या आएगा माइनस टू प्लस टू माइनस टू प्लस टू, टू माइनस टू प्लस टू तो प्लस टू तो इक्कीस से तेईस हुआ है ऐसे इसमें भी प्लस टू आएगा तो तेईस में दो करोगे तो पच्चीस आएगा लास्ट का तो देख लेते हैं ऑप्शन में किसमें पच्चीस मतलब वाई आ रहा है तो आपका एक ही ऑप्शन है जिसमें वाई आ रहा है ऑप्शन ए तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग से है ये आसान सा क्वेश्चन है आपको कॉमन कोडिंग डिकोडिंग है इसमें आपको बताना है डिलीट को कोड किया गया है एट द रेट हैस एट एट द द रेट रेट से परसेंटेज ग्राम को कोड किया गया है अब पूछ रहा है टेलीग्राम का कोड क्या होगा अब देखिए इसमें लास्ट में ग्राम आ गया मतलब ये वाला कोड हो बहु लास्ट में होना चाहिए तो आपका ऑप्शन किसमें मिल रहा है ऑप्शन सी और डी में मिल रहा है और सी में जब जैसे जाएंगे आप तो शुरुआत की जो दिया है टेलीग्राम टी ई एल ई क्या उसमें कोड में आप जब मैच करेंगे तो इसमें एक मिलेगा नहीं तो ऑप्शन डी आपका जो होगा सी वाला गलत हो जाएगा और डी वाला सही हो जाएगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता है अगला आपका आसान सा क्वेश्चन है मिरर इमेज वो आपका हो जाएगा मिरर इमेज जब भी आपको आए आप क्या करिए कागज पे उस चित्र को बना लीजिए और उसको उल्टा करके देख लीजिए जो भी इमेज बनेगी आपको मिरर बनेगी ठीक है अगला क्वेश्चन ग्यारह पे पहुंचते हैं यह है सिलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है कुछ उभयचर तोते हैं और सभी तोते क्या हैं आम हैं और आपसे पुछ, क्वेश्चन पूछा है पहला निष्कर्ष सभी आम तोते हैं सभी आम का बोल रहा है कि तोता हो, होगा तो ये देखिए जब भी हम बताए थे आप लोगों को सिलॉक्स का चैप्टर देखिएगा उसमें क्या होता है कि जब भी हम आउटसाइड से इनसाइड जाते हैं तो ये क्या हो जाता है हमारा ऑल का केस गलत हो जाता है तो पहला आपका गलत हो जाएगा सेकेंड वाला है कुछ उभयचार आम है तो कुछ है तो ये आपका सही हो जाएगा तो सेकेंड वाला ऑप्शन आपका सही होगा तो ऑप्शन डी में दिया केवल सेकेंड अनुसरण करता है अगला बढ़ते हैं अगली सीरीज है सी फोर एक्स एफ नाइन यू आई सिक्सटीन आर नेक्स्ट पूछ रहा है अगला क्या होगा सीरीज में तो आप देखिए सी से एफ ये आता है तीन पे ये होता है छ पे ठीक है तो ये तीन से तीन प्लस थ्री हुआ अगला है एफ से नाइन छ है प्लस तीन हुआ नौ अब नौ से प्लस तीन होगा तो बारह मतलब एल अगला आपका फोर है टू का स्क्वायर ये नाइन है थ्री का स्क्वायर और ये सोलह है चार का स्क्वायर तो अगला क्या होगा पांच का स्क्वायर मतलब पच्चीस उसके बाद इसमें देख लेते हैं एक्स से यू ये आपका कितना है चौबीस पे और ये इक्कीस पे इक्कीस माइनस तीन चौबीस माइनस तीन इक्कीस तो माइनस तीन तीन का जा रहा है तो ये भी अट्ठारह से माइनस से तीन करेंगे तो पंद्रह मतलब ओ तो एल ट्वेंटी फाइव ओ आएगा तो ऑप्शन आपका बी सही होगा अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं इसमें बोल रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए इसे देख लेते हैं आप पूरा ए बी सी डी उसमें से प्रत्येक तीन को हटाना है ए बी सी डी एल एम एन पी क्यू इसमें से बोला है कि प्रत्येक तीन को हटाना है तो किन कौन सा कौन सा नंबर हटेगा तीन छ नौ बारह पंद्रह अठारह इक्कीस चौबीस ये वाले जितने पोजीशन पे आते हैं तीन पे कौन आता है ये आता है छः पे आपका F नाइन पे I बारह पे L पंद्रह पे O अठारह पे R इक्कीस पे U और चौबीस पे आपका X ये सब हट जाएंगे हटने के बाद बोल रहा है कि ग्यारह लेटर कहाँ से दाहिने से दाहिने से ग्यारह आएंगे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह के पे आए वहाँ से बोल रहा है उसके दाए सेवन तो उसके दाए सेवन जाएंगे एक दो तीन चार पच छः सात मतलब वी होगा इसका आंसर ठीक है तो ये आपका था अगला है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन इसमें सीरीज से रिलेटेड है जीरो टू सिक्स ट्वेल्व ट्वेंटी तो यहाँ से क्या हो रहा है प्लस टू हो रहा है प्लस फोर हो रहा है प्लस सिक्स हो रहा है प्लस एट हो रहा है तो यहाँ क्या होगा प्लस टेन होगा ठीक तो ये हो जाएगा थर्टी अगला आ जाएगा आपका तीस के बाद लिखा है फोर्टी टू यहाँ बारह बारह के बाद प्लस हो जाएगा चौदह तो ये आपका आएगा ऑप्शन फिफ्टी सिक्स आंसर आएगा ये सीरीज और बढ़ी हुई है यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ठीक है अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं अगला क्वेश्चन है पजल से है इसे देख लेते हैं इसमें बोला ए बी सी डी ई ए बी सी डी ई इतने लोग हैं और ये पांचों व्यक्ति समूह में कुछ ना कुछ पढ़ते हैं जैसे क्या क्या है मैथ्स है साइंस, जोग्राफी है हिस्ट्री है पॉलिटी है और बायो है। इतने सब्जेक्ट हैं इसमें कुछ ना कुछ दोनों लोग पढ़ते हैं जैसे बोला पहले स्टेटमेंट में बी और सी गणित और भूगोल में बुद्धिमान है बी और सी ये दोनों मैथ्स और भूगोल में दोनों में है तो इन दोनों में टिक लगा दो इस क्वेश्चन को करने का यही तरीका है सबसे आसान अगला है ए और सी गणित और इतिहास में है ए और सी गणित में और इतिहास में तो इन दोनों में कर दो ठीक है अगला है बी और डी राजनीतिक विज्ञान और भूगोल में बी और डी पॉलिटी में भी है और भूगोल में है ठीक यहाँ टिक लगा दो अगला है डी और ई e पॉलिटी में है और जीव विज्ञान में है डी और ई e पॉलिटी में है और जीव विज्ञान में है ई विज्ञान जीव विज्ञान इतिहास और राजनीतिक विज्ञान में बुद्धिमान है ई जो है आपका जीव विज्ञान हिस्ट्री और राजनीतिक विज्ञान पॉलिटी में है तो आपका ये बन गया डायग्राम, जिसे जहाँ जहाँ खाली वहाँ क्रॉस लगा दीजिए यहाँ इसका खाली है यहाँ यहाँ खाली है यहाँ पे ये यह खाली है यहाँ पे ये यह खाली है ये दोनों प्लेस खाली है क्रॉस यहाँ पे क्रॉस यहाँ पे क्रॉस ये क्रॉस तो ये आपका ऐसा कुछ टेबल बन जाएगा उसके बाद से पूछा है जो क्वेश्चन उससे देखते हैं कौन गणित और इतिहास में बुद्धिमान है लेकिन भूगोल में नहीं ऑप्शन ए चेक करते हैं सी सी देखें तो इसे पूछ रहा है कि गणित और इतिहास में बुद्धिमान हो तो ये देखिए गणित और इतिहास में है और पूछ रहा भूगोल में नहीं होना चाहिए मगर ये साथ साथ भूगोल में भी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा अगला ऑप्शन है बी ठीक इसमें बोला ई ई तो देखिए ना मैथ में है ना वही सिर्फ हिस्ट्री में है तो ये गणित गड़, इसमें गणित में विद्वान नहीं है तो ये ऐसे हट जाएगा ऑप्शन से अगला ऑप्शन है सी जो है ए देखिए ये मैथ्स में और हिस्ट्री का दोनों का विद्वान है और किसमें नहीं पूछा है ज्योग्राफी में तो ज्योग्राफी में नहीं है तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा यही आंसर होगा ऑप्शन सी कौन होगा ए ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं डिस्टेंस डायरेक्शन से है डाटा सफिशियंसी से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को बता देते हैं डाटा सफिशियंसी से आपके पेपर में क्वेश्चन आएगा क्योंकि यूपी ट्रिपल ट्रपल एस सी डाटा सफिशियंसी पे मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दे रहा है और डाटा सफिशियंसी किसी भी टॉपिक से आपके जितने भी रीजनिंग में टॉपिक होता है उससे कहीं से बन सकता है जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन से बना हुआ क्वेश्चन है बोला बिंदु ए और बिंदु बी के संदर्भ में किस दिशा में होगा मतलब बी से ए किस दिशा में होगा आपको पता करना है पहला आपका कथन है कि बिंदु डी बिंदु ए के पूरब में है बिंदु डी जो है बिंदु ए के ए के पूरब में है स्थित है बिंदु ए बिंदु एफ के दक्षिण में स्थित है बिंदु ए जो है बिंदु एफ के दक्षिण में स्थित है यह पहला डायग्राम बन गया और बोला बिंदु बी बिंदु डी से दक्षिण पश्चिम है बी जो है डी से दक्षिण पश्चिम इससे ये आएगा अब इससे क्या आपका आंसर निकल जाएगा कि बी ए से किस दिशा में है अगर बी यहां पे है तब तो पता चलेगा कि हाँ बी जो है हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट में है अगर बी यहाँ पे चलाया तो इसके नॉर्थ में हो जाएगा तो एग्जैक्ट आंसर नहीं मिल पाएगा तो पहले से हमारा आंसर नहीं आ पा रहा है तो पहला हमारा सफिशियंट नहीं होगा सेकेंड देखते हैं ठीक है सेकेंड में आपका दिया है कि एफ बिंदु एफ जो है बिंदु बी के उत्तर पश्चिम में है अगर बी यहाँ है तो इसके उत्तर पश्चिम में आपका यह उत्तर पश्चिम होगा यहाँ पे एफ होगा उसके बाद बोल रहा है कि बिंदु बी बिंदु डी से दक्षिण में है यह डी से कहाँ है दक्षिण में है हो गया और बोल रहा है कि जो कि बिंदु एफ के पूरब में है मतलब डी जो है वो एफ के कितने में है पूरब में है तो ये आपका डायग्राम बनेगा अगला बोल रहा है इसी में कि बिंदु ए डी के उत्तर में है बिंदु ए जो है डी के डी के उत्तर में है ठीक है तो डी के उत्तर में हुआ मतलब ये ऊपर हो गया ठीक तो जब ये ऊपर हो गया डी के उत्तर में बिंदु ए तो अब आपका पूरा का पूरा जो भी डिस्टेंस आपका डायरेक्शन दिया हुआ है एकदम एग्जैक्ट दिया हुआ है इसमें कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि ये यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है इसलिए जो ऑप्शन बी है आपका ऑप्शन बी है कि मतलब सेकंड वाला जो है सिर्फ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है पहला नहीं है तो आपका बी ऑप्शन सही होगा अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सत्रह प्रश्न का उत्तर देने के लिए कौन सा पड़ा फिर से डाटा सफिशियंसी है अब ये ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है इसमें भी देख लेते हैं इसमें बोला कुणाल का तस्वीर की लड़की से क्या संबंध है ठीक है अब पहला कथन है स्टेटमेंट पहला बोल रहा है कि तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा कुणाल है तस्वीर पर कोई तस्वीर है उस पर इशारा करते हुए कुणाल कह रहा है कि वह मेरे पिता के एकमात्र पोती है वह मेरे पिता इनके पिता हो गए कि एकमात्र पोती है मतलब इनकी शादी हो गई है कुणाल की और इन्हीं की एकमात्र मतलब लड़की है वो जो फोटो में दिखाया जा रहा है जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं तो अब इससे आपका क्या पता चल रहा है अब पूछा कुणाल का तस्वीर की लड़की से क्या संबंध है ठीक तो अब ये हो सकता है कि इनका एकमात्र पोती है ये तो हो सकता है या तो इनकी हो या इनके कोई भाई हो कुणाल के उससे भी हो सकता है तो इसलिए हमारा पहला हम बोल नहीं सकते एग्जैक्ट अगर ये बोलता कि कुणाल एकमात्र इनका लड़का है तो आपका इससे आंसर आ जाता मगर ये भी हो सकता है सिर्फ इनके बारे में बोला गया कि ये जो लड़की है जो जिस पे इशारा किया जा रहा है वो कुणाल के पिता की एकमात्र पोती है तो कुणाल जो है के पिता के दो लड़के भी हो सकते हैं तो इसका जिक्र नहीं हुआ इसलिए इस आंसर से इस जो स्टेटमेंट से आपके दो पॉसिबल चीज़ें बन सकती हैं तो इसलिए इसके पहले से तो आपका आंसर नहीं आएगा आपके चलते हैं सेकेंड पे कुणाल का कोई भाई बहन नहीं है अब यहाँ से क्लियर हो गया कि कुणाल अब अकेले है तो यहाँ से इसका कोई भाई बहन ने मतलब ये जो लड़की है वो कुणाल की है तो इससे आपका आंसर आ जाएगा पहला और दूसरा मिला के हम आंसर ले सकते हैं तीसरे को भी देख लेते हैं आपका तीसरा भी दिया हुआ है साथ साथ तीसरा है तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कुणाल ने कहा वो मेरी माँ कुणाल ने कहा वो मेरी माँ इनकी माँ हो गई वो मेरी माँ की एकमात्र बहू एकमात्र बहू मतलब कुणाल की ही पत्नी ठीक एकमात्र बहू है तस्वीर इशारा करते हुए कहा कि वो मेरी माँ की एकमात्र बहू है मतलब वो जो तस्वीर में लड़की उसे बोला कि, कि मेरी माँ की एकमात्र बहू मतलब उसी की बीवी हो गई इस केस में तो मतलब इस थर्ड वाले से भी आंसर आ जा रहा है आपका कि उसी की बीबी आ जा रही है कुणाल की और सेकेंड वाले में आपका भी आंसर आ जा रहा है कि वो उसकी लड़की आ जा रही है तो आप फर्स्ट या हम बोल सकते हैं या तो थर्ड या फर्स्ट ठीक ऑप्शन आपका जो डी है या तो केवल थर्ड केवल या तो थर्ड या फर्स्ट फर्स्ट और सेकंड से आपका उत्तर पर्याप्त हो सकता है क्योंकि तीसरा भी अपने लिए पर्याप्त है तीसरा जो स्टेटमेंट है इससे भी आंसर आ सकता है और आपका फर्स्ट और सेकंड मिलाने से भी आपका आंसर आ सकता है तो इनमें से कोई भी या तो हम पहल, तीसरा ले लें या पहला और दूसरा का यूज करके आपका आंसर ले आ सकते हैं इसलिए ऑप्शन जो डी है वो सही होगा अगला है क्वेश्चन नंबर 18 रैंकिंग से रिलेटेड है कि 20 छात्रों की एक कक्षा में अलीसा का स्थान पंद्रहवा है ऊपर से अलीसा पंद्रह पे है ठीक है उसके बाद पूछ रहा है कि मानव का क्रमांक अलीसा से चार ऊपर है इससे चार ऊपर तो ये कितने पर हो जाएगा ग्यारह पे मानव टोटल ट्वेंटी स्टूडेंट है आपसे पूछ रहा है कि नीचे से कक्षा है मानव का स्थान क्या होगा तो आपको बताया गया था टॉप टोटल बराबर टॉप प्लस बॉटम माइनस वन तो टोटल बीस है तो यहाँ से अगर टॉप से देखें तो इसका ग्यारह है बॉटम से नहीं पता एक्स है तो माइनस वन कर लें तो यहाँ से आ जाएगा आपका यहाँ दस प्लस एक्स बीस में से दस जाएगा तो आपका बचेगा दस तो एक्स का जो स्थान होगा वो नीचे से होगा दस ऑप्शन आपका ए सही होगा अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका ऑड वन आउट का है इसमें जितने भी आपके डिजिट दिए हुए हैं इनका सबका प्लेस वैल्यू का सम जो ऑप्शन ए में है जैसे यू एम आर एस एम ई इनके जितने भी प्लेस वैल्यू हैं ये इक्कीस पे आता है या तेरह पे इनका सम जब करेंगे तो हमारे यहाँ से एट्टी नाइन होगा ऐसे ऑप्शन बी में जब सम करेंगे तो इसका भी आपका एट्टी नाइन होगा ऑप्शन सी में एट्टी थ्री होगा और ऑप्शन डी में जो आएगा वो पचपन होगा तो ये आपका जो होगा इलेवन से डिविजिबल होगा बाकी किसी से नहीं कोई नहीं डिविजल होगा तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा ऑप्शन डी आपका अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है आपका सीरीज से रिलेटेड एस ई क्यू ई एन टी आई ए एल सिक्वेंशियल फिर इसी में ई क्यू थोड़ा सा स्पेस देखे ई क्यू यून टी आई ए एल फिर ई क्यू यू ई एन टी आई क्वेश्चन मार्क क्यू यू ई एन बीच वाला पूछ रहा है आपसे क्या है तो इसमें देखिए क्या हुआ है कि यहाँ तक सिक्वेंशियल है उसके बाद जैसे ही, एस यहाँ से गायब हो गया फर्स्ट लेटर एस लेटर गायब हो गया बाकी सब लिख दिया गया अगले वाले में जब बढ़ेंगे तो इसमें क्या हुआ आपका कि पहला लेटर इस यहाँ से पहला लेटर गायब हुआ अब लास्ट से दो लेटर गायब हो गया है आई के बाद आपका एन होगा टी आई यहां से ए एल गायब हो गया लास्ट से अब अगला जो आएगा इसमें से ई गायब हो जाएगा तो आपका बचेगा क्यू यून टी आई ठीक और अगले वाले में आपका लास्ट का दो गायब होगा इसलिए एन तक है तो ऑप्शन आपका होगा ये वाला ऑप्शन ए ठीक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग से 21 नंबर क्रिएट को कोड किया गया है एफ यू बी एफ एस डी से अब इसमें कोड देख लेते हैं ई e से एफ प्लस वन टी से यू प्लस वन ए से बी प्लस वन ई e से एफ प्लस वन आर से एस प्लस वन सी से डी प्लस वन सब में प्लस वन पीछे से हो रहा है बस वही आपको करना है बैंकिंग में यहां से प्लस वन जी से एच, और इसका लास्ट में जाएगा तो बी, सी होगा तो सब में ऐसा ही है तो आप ऐसा निकाल लीजिए कि इसमें क्या होगा एम एन एन के बाद ओ होगा आई के बाद जे होगा K के बाद एल एन के बाद एम ए के बाद बी तो ये आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तीन और पांच ठीक है ये आपका सोलह दिया हुआ है तो 5 या पंद्रह ऐसे थ्री इंटू फाइव पंद्रह प्लस एक सोलह अगला है इसी में सेवन प्लस नाइन तो ये आपका नौ सतरसठ प्लस एक चौसठ ऐसे ही है दस प्लस बारह तो इसके करेंगे दस गुड़े बारह मतलब एक सौ बीस प्लस एक तब एक सौ इक्कीस आया है वैसे आपसे पूछ रहा है ग्यारह प्लस तीन क्या होगा तो ग्यारह गुड़े तीन तैतीस ते प्लस एक चौंतीस तो आपका ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा ऑप्शन सी होगा सही अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं अगला आपका फिगर है आसान सा क्वेश्चन है वो हो जाएगा आप लोगों से ऑप्शन सी होगा उसका अगला फिर से सीरीज पे बढ़ते हैं इसमें पूछ रहा है कि ऑड वन आउट बताना है एन थर्टी डी ट्वेंटी नाइन एम थर्टी वन और एस थर्टी में इसमें क्या करना है इसकी प्लेस वैल्यू लीजिए एंड होता है फोर्टी पे थर्टी पे अब इसमें से इसके डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है ये डिफरेंट आ रहा है सोलह का ये चार पे ये उनतीस पे इनमें डिफरेंस आ रहा है पच्चीस का इसमें तेरह और इकतीस इसका डिफरेंस आ रहा है अट्ठारह का और इसका डिफरेंस कितने का ग्यारह का तो ये आपका प्राइम नंबर का डिफरेंस है तो ये ऑड वन आउट हो जाएगा अगले केस पे पहुँचते हैं इसमें भी बोला ऑड वन आउट हाइड्रोजन ऑक्सीजन आयोडीन नाइट्रोजन आयोडीन आपका जो है इसमें ऑड वन आउट हो जाएगा बाकी आपके गैस हैं अगला फिगर का है वो भी आसान सा क्वेश्चन है सब में जो है आपका सिक्स एक्सागोन बना हुआ है ऐसे इसमें ऐसे लाइनिंग है सब पे वैसे ही ट्रेंगल है तो उसके बाद वाला जो ट्रेंगल बनेगा उसमें भी तीन की अंदर लाइनिंग होगी ये वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन टू बी होगा इसका अगले क्वेश्चन की तरफ बोलते हैं ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है आपका इसमें पी में आपको जो सोल्यूशन प्रोवाइड किया गया है उसमें दिया हुआ है इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी इनिक्वालिटीज रिले है ये रीजनिंग का ये एक टॉपिक है कभी कभी आपका हो सकता है इससे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इसमें एक आपका स्टेटमेंट दिया है कि बी इज ग्रेटर देन टी टी इज ग्रेटर देन क्यू क्यू इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एफ अब आपका इससे दो निष्कर्ष दिए हुए हैं कॉन्क्लूजन दिया हुआ है पहला है कि क्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ यहाँ से आपको क्या दिख रहा है क्यू इज ग्रेटर देन आर

इसमें रोटेशन से रिलेटेड ये क्वेश्चन है डिस्टेंस डायरेक्शन का अब इसमें बोल रहा है कि एक व्यक्ति मुख उत्तर पश्चिम की दिशा में है डायरेक्शन बना लेते हैं ये हो गया नॉर्थ ये साउथ ये ईस्ट ये वेस्ट ये नॉर्थ वेस्ट हो गया ये नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका और ये हो गया आपका साउथ वेस्ट और ये साउथ ईस्ट ठीक है इसमें बोल रहा है एक व्यक्ति का मुख उत्तर पश्चिम दिशा में है उत्तर पश्चिम मतलब ये आपका इस डायरेक्शन में है इस डायरेक्शन में होने के बाद वो क्या करता है कि घड़ी की दिशा में 90 डिग्री मुड़ता है मतलब क्लॉक वाइज रोटेशन जितना क्लॉक वाइज घूमे वो पहले लिख लो 90 डिग्री उसके बाद से फिर घड़ी की विपरीत दिशा में 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज एक डिग्री फिर उसे फिर उसी दिशा में एंटी क्लॉक वाइज ही फिर दोबारा उसी दिशा में नाइन्टी डिग्री घूमता है इसको दोनों को प्लस कर लो इसमें से क्लॉक वाला माइनस कर लो तो आपका आएगा एक डिग्री एंटी क्लॉक तो जिस दिशा में वहां से एक डिग्री एंटी क्लॉक घूम जाए तो जब भी आपका ऐसा कुछ डायरेक्शन दिया हो तो चाहे एंटी क्लॉक डायरेक्शन में घूमे चाहे क्लॉक में घूमे तो हमेशा उसी के अपोजिट डायरेक्शन में पहुंचेंगे तो नॉर्थ वेस्ट का जो होगा अपोजिट डायरेक्शन क्या होगा साउथ ईस्ट होगा तो आंसर क्या होगा हमारा साउथ ईस्ट होगा दक्षिण पूर्व अगला है फिलर से रिलेटेड क्वेश्चन है ए बी बी फिल फिर ए ए फिर ए बी 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 ए अब इसे इसमें टोटल सोलह हैं इसमें चार चार पार्ट में डिवाइड कर देते हैं एक दो तीन चार एक दो तीन चार एक दो तीन चार इसमें देख लेते हैं क्या कॉमन है बी बी ए यहाँ बी हो जाएगा यहाँ बी यहाँ डबल ए डबल ए डबल बी डबल बी डबल ए तो आप फिल क्या किए बी बी ए ऑप्शन ए आपका इसमें सही हो गया तो ये आपके होंगे पेपर सात के सॉल्यूशन धन्यवाद